हाँ जी, तो आपके सामने ये पहली वैल्यू जो बताई मैंने वो तो सिंपल थी कि लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, वो तो कर लिया। और दूसरा मैंने आपको ये फार्मूला जो ड्राइव करवाया है इसमें आप देख सकते हैं कि बेटा ये पेरीमीटर का फार्मूला हो गया आज के बाद, ये फाइनल ये जो है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फार्मूला। तो जस्ट उसने बताया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150, तो आप इधर लिखते हैं तो बेटा ये लिखते हैं कि 2 into x प्लस प्लस वाई, फाइव इज टू इक्वल एक्स टू, प्लस वाई इज इक्वल टू पेरीमीटर 150, वन हाँ फिफ्टी 150। आप अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं तो जो टू दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड होके इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू ए सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू 75। तो द सेकंड इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। सेवेंटी हाँ जी, मुझे ये बता दें कि क्या दोनों इक्वेशंस आपको ये क्लिक हो गई हैं। यस यस अब इन बेटा दो इक्वेशंस को आप नाउ इन दोनों इक्वेशन को आप बेटा ऐसे इकट्ठा लिखेंगे, जैसे एक इक्वेशन लिखी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू लिखी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। और सर, बेटा अब आपने इन दोनों को दोनों मेथड से मतलब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी मैट्रिक्स, हाँ जी यस जी बेटा आप कर लेंगे। सर, और दूसरा बेटा क्रैमर होगी, अगर आपको इस चीज की समझ आ गई तो हम यस सर। नेक्स्ट चलते हैं।